आपको पता है जो मेरे ने बुड्ढे ससुर जी, मेरे स्वामी जी के दादाजी, उन्होंने विभिन्न घर बनाए थे, जिसका जहाँ पे मन करे वहीं पे रह सकता, मतलब आसान हो खेतों का काम करने के लिए, गोबर डालने के लिए, तो वहीं रहो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है सोनी नेगी। आज की मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड से। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा। आज है 3 तारीख, आप सबको पता ही होगा आज से नवरात्रि शुरू हो गई और कल 4 को ये वीडियो अपलोड होगी। आज जा रहे हम सुबह सुबह अपने गांव, क्योंकि वहां पे है हमारा कुछ काम। दोस्तों अभी हम हैं अपने गांव की रोड, जो मेन रोड नहीं है, गजा वाली, वहाँ पे हैं। तो यहाँ से ना एक हमारे यहाँ का रास्ता शॉर्टकट है हमारे गांव के लिए, और ये है हमारे गांव का गेट, दिगोठी धार बोलते हैं यहाँ के लिए ना, है ये तो बोलते हैं। और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है ये डांडा वालों का, जो इस डांडे के हैं इधर की साइड, और हमारा डांडा रह गया उधर की साइड। ये है हमारा गांव का प्रतीक्षालय, और यहाँ से ऊपर जाते डांडा के लिए दूसरे डांडा वालों का रास्ता है, और यहाँ से जाएंगे हम सीधा आगे की ओर दुआ कोटी के लिए। चलो हमारा दिगोठी का पंचायती घर, और यहाँ पे नाग देवता का मंदिर। सबसे पहले नाग देवता की कृपा सब पे बने रहे, और इधर से स्वामी जी देख रहे हैं नज़ारा। और यहाँ पे यहाँ देखिए हमारे घर का क्या हाल हो रखा, सारा घास हमें ना काटना पड़ेगा कल से सफाई करने पे। ये और ये है हमारा घर, ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। हमारे घर के हाल कैसे हो रखे, ये चारों तरफ बंजर ही बंजर पड़ रखा। ये देखो ये यहाँ पे सासू जी ना पानी को भर रहे, और यहाँ देखो हमारे घरों के हाल कैसे हो रखे। और एक ये भी हमारा कमरा है। अरे ऐसे सासू जी सारे बर्तन भी ला गए धुलने के लिए। अब पहले तो यह फोन साफ कान तोड़ने थे रजीब दिखो, पता नहीं हम ही लगल हम ही कल जब कूड़ हमारे ज्यादा हम ही कान तोड़। यहाँ पे सासू जी थोड़ा सा सफाई कर रहे, और जो ये वाला नल नहीं है हमारा, ये बहुत ज्यादा फोकस मारता, पूरा पानी यहाँ ऊपर तक चला जाएगा और हमारा ये वाला घर भी बर्बाद हो जाएगा फिर तो। बरी तो यहाँ से मुझे बाल्टी को ले जाना है बाथरूम की ओर, क्योंकि बाथरूम भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा, तो बाथरूम की सफाई भी करनी पड़ेगी। और यहाँ तो आलाड़ी है फिलहाल, डर भी लग रहा है यार इस आलाड़ में सांप का, कहीं सांप ना हो। मम्मी यहाँ पे ना मेरे सासू जी ने अरबी भी लगा रखी है, और बहुत अच्छी हो रखी हमारी अरबी इस बार, जिसको गढ़वाली में पिंडालू बोलते हैं। ये देखो मेरे पीछे आप आते ही एक ही दिन में आफत आ गई मेरी। तो अब इस पानी को डालूंगी मैं बाथरूम की टंकी में, क्योंकि बाथरूम के नलों पे पानी नहीं आ रहा। ऐसे ही होना है, जब इस वाले घर को देखना ही नहीं है तो ऐसे ही हालात होंगे घर की, क्योंकि यहाँ पे आ रहे हम पूरे 1 साल बाद। पिछले साल आए थे, और बीच में मैं आई थी 6 महीने पहले, अपना कुछ सामान ले गई थी यहाँ से, बट हम रहने के लिए ना 1 साल बाद आ रहे। 4-5 दिन तक हम यहीं रहेंगे आराम से, देखते हैं जो भी होगा आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। तो आगे बढ़ते हैं और काम की शुरुआत करते हैं। आ रखे हम घास काटने के लिए घर के अगल बगल, तो सासू जी वहाँ पे घास काट रहे और मैं भी यहीं पे काट रही थी अभी तक। तो क्या बोलते हैं यहाँ ना भयंकर वाले कूड़े हो रखे। ये देखो मेरे चारों तरफ घास काटने से डर नहीं लग रहा, कूड़ों से लग रहा भयंकर वाला डर। तो यहाँ पे सासू जी काटने पे लगे हैं, मुझे भी काटना पड़ेगा। और कितना लंबा लंबा घास हो रखा हमारा,
क्या करना है इस घास का, ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। क्या करनी सीधा चमोली भी आ जानी घास। मैं ये बोल रही थी जहाँ घास की ज़रूरत होती ना वहाँ घास नहीं रहता, जैसे आजकल मेरे मायके में घास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि मम्मी और भी श्रीनगर हॉस्पिटल में है, वहाँ पे घास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पास में रहती तो मैं ही दे देती यहाँ से घास, पर मैंने कहाँ से देना इतना दूर से, ना तो धार यहाँ की ना अता पता कुछ नहीं है मालूम, तो यहाँ से भयंकर वाला घास हो रखा हमारा। ये भी हमारा घास है, ऊपर को भी और घर के आगे पीछे बहुत सारा है, और नीचे सार की साइड भी है और उधर भी है एक साइड को, इतना घास है ना हमारा, क्या बताना। हमारे पास तो भैंस वगैरह कुछ नहीं है, भैंस चो नहीं हूँ, खाली काट और पल्ले गया घास। अब मन क्यों नहीं खा घास। आज से हमारा घास कटाई भी शुरू ना है, आज भी दिन हमारा घास काटना भी शुरू, फर्स्ट दिन होना मंगुरू क्यों मतलब कुमरे कटे भी हुएगी, फर्स्ट दिन होना आज हम घास काटना होते, काटा काटा मैं घास काटू तुम कुमर काटे, ठीक जी अब फूलगा तुम वह कुमर से और इधर से उधर तक, और ये नीचे वाला खेत यहाँ पे भी हमने ही काटा घास। अब सासू जी जा रहे घर की ओर, मैं भी चलती हूँ घर की ओर। यहाँ देखो हमारा पुराना वाला घर कैसे टूट गया, ये मैं ये यहाँ पे है हमारा लकड़हारा घर जो कि लकड़ियों से बन रखा। कम यहाँ बांझ पड़ी रे, यक बांझ अजी वो घर मन में बांज पड़ी हूँ। अब नीचे वाले घर के छत पे जाते आराम, थोड़ा समय मूड़ी में जानू हाँ, इस वाले छत पे जा रही मैं, तो यहाँ पे मुझे अच्छा है, कभी लकड़हारा घर, कभी नीचे वाला, कभी छत वाला, कहीं भी जा सकते। आपको पता है जो मेरे ने बुड्ढे ससुर जी मेरे स्वामी जी के दादाजी, उन्होंने विभिन्न घर बनाए थे, जिसका जहाँ पे मन करे वहीं पे रह सकता, मतलब आसान हो खेतों का काम करने के लिए, गोबर डालने के लिए, तो वहीं रहो और वहीं गाय भैंस ले जाओ। तो हमारे ना पूरे चार चार पांच पांच घर हैं, कोई उधर है कोई उस साइड को, और दो तो यहीं पे हैं आगे पीछे, तो ऐसे बना रखे, दो यहाँ पे हैं एक डांडा में, ऐसे एक खेत ये और एक इसके नीचे वाला, इन दो खेतों का घास काटा हमने। अब बारी है घर जाने की, क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया, तो घर जाते हैं, फिर कल सुबह जाएंगे सारे की साइड घास काटने के लिए। तो दोस्तों टाइम भी आ गया है वीडियो को एंड करने का, आई होप कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। मैं सोनी नेगी आपको मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए फ़िलहाल बाय बाय, जय देव भूमि उत्तराखंड, टाटा बाय बाय।